दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने एक बैंक से 11 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि रंतेपुरा बैंक शाखा में कुछ नकाबपोश आतंकवादियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ नकाबपोश लोग बैंक के अंदर दाखिल हुए, उनके हाथों में असलहे भी हैं, जिसके दम पर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया और बैंक से रकम लूट कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने बताया कि लूटी गई रकम में 16,000 रुपए बंद हो चुके नोट हैं और बाकी नई वैध करेंसी है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से जम्मू कश्मीर में बैंकों में लूट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। 8 दिसंबर को ही 4 अपराधियों ने पुलवामा जिले के अरिहल में जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाखा से करीब 10 लाख रुपए लूट लिए थे। इससे पहले 21 नवंबर को भी कुछ लोगों ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चरारे शरीफ इलाके में एक बैंक से 13 लाख रुपए लूट लिए थे। तो नोटबंदी ने आतंकवादियों की भी कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से अब घाटी में हिंसा फैलाने की जगह बैंक से रकम लूटी जा रही है। बैंक लूट की घटना बेहद चिंताजनक है, जिस पर सरकारों को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। देखते रहिए डीपी लाइव।